अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएसवाई 611 के लेसन नंबर 19 को। इससे पहले लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए भी बताइए कि मेरे लेक्चर्स आपके लिए कितने हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। किसी किस्म का इशू हो तो आप लोग फेसबुक पेज पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पर फेसबुक का पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग अपने इशू को डिस्कस भी कर सकते हैं। टॉपिक 78 है इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू थेरापी। कह रहा है कि थेरेपी से पहले साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि क्लाइंट को थेरेपी की नेचर और उसकी ड्यूरेशन के बारे में बताएं, फैक्ट्स के बारे में बताएं। अगर कोई और थेरेपिस्ट या एजेंसी इसमें शामिल है तो इसके बारे में भी इन्फॉर्म करें, और थेरेपी में मौजूद रिस्क के बारे में बताएं। अपने क्लाइंट से इनकी मर्ज़ी जाने कि क्या वो थेरेपी के लिए रेडी हैं या नहीं। अगर थेरेपिस्ट अभी एक ट्रेनी है तो साथ में इसका सुपरवाइज़र होना भी ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट के अंदर ये बात की गई है। ग्रुप थेरेपी, ग्रुप थेरेपी के अंदर भी वही के जिस तरह की इंडिविजुअल थेरेपी पर फोकस किया जाता है, इसी तरह ग्रुप थेरेपी पर भी फोकस करना ज़रूरी है, और इंडिविजुअली मतलब के बंदों को एक ग्रुप के अंदर भी इंडिविजुअली बंदों पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड सर्विसेज टू सेवरल पर्संस इन अ ग्रुप सेटिंग दे डिस्क्राइब एट आउटसाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स ऑफ ऑल पार्टीज एंड लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। साइकोथेरेपिस्ट में ट्रीट unrelated client in group for a variety of reasons. For example, a group may consist of people with similar problems, recently hospitalized mental patients, discovered males or females, cardiac rehabilitation patients, children with handicaps. Topic हमारा 79, advantages of group therapy. अपने पीयर्स यानी कि दूसरे लोग जो थेरेपी में शामिल होते हैं इनके साथ खुद को कंपेयर कर सकते हैं, इनकी सपोर्ट ले सकते हैं, इन पर असरअंदाज हो सकते हैं। ग्रुप में लोगों के की डिस्कशन से ही बाज़ औक़ात मसले का हल निकल आता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ग्रुप का लीडर क्योंकि इन लोगों में से ही होता है, इसलिए इसमें ज़्यादातर ट्रेनिंग की कमी होती है। थेरेपिस्ट जो लोगों ग्रुप को मॉनिटर कर रहा होता है, इसका काम ग्रुप को बेहतर तरीके से जो है वो लीड करे करना है और अपना मुकम्मल फोकस इस पर लगाना है। लेकिन ग्रुप थेरेपी में पार्टिसिपेंट जो थेरेपिस्ट है तमाम लोगों पर एक साथ फोकस नहीं कर पाता। अगर टॉपिक 80 है थेरेपी इन्वॉल्विंग कपल्स एंड फैमिलीज। बाज़ात एक फैमिली में एक से ज़्यादा लोग किसी मसले को फेस कर रहे होते हैं और अपनी थेरेपी के लिए थेरेपिस्ट के पास आते हैं। थेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले देखें कि असल प्रॉब्लम किसके साथ है। हो सकता है हस्बैंड की जो वाइफ से ट्रीटमेंट हो हस्बैंड की और वाइफ खुद बखुद ठीक हो जाए, या फिर वाइफ की ट्रीटमेंट हो और हस्बैंड खुद बखुद ठीक हो जाए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों में है, मसलन एक लड़की अपने माँ बाप के साथ थेरेपिस्ट के पास आती है जिसकी वजह से इस लड़की में प्रॉब्लम होते हैं, बाद में पता चलता है कि प्रॉब्लम की एक वजह इसका भाई भी है, तो उस सूरत हाल में थेरेपिस्ट इसके भाई को भी थेरेपी के लिए बुला सकता है। प्रोवाइडिंग थेरेपी टू दोज सर्व्ड बाय अदर्स। अगर पेशेंट पहले से किसी और थेरेपिस्ट से इलाज करवा रहा है, फिर किसी वजह से वो दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो उस वक्त थेरेपिस्ट को बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसे क्लाइंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इसे बहुत सी चीज़ों का अदराक दोबारा करना पड़ेगा और दूसरे ऑथराइज्ड लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। सेक्सुअल इंटीमेसीज विद करंट थेरेपी क्लाइंट और देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंट अदर्स। साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट के साथ इसके या गार्डियंस क्या या रिलेटिव्स के साथ किसी किस्म का सेक्सुअल ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। इंटरप्शन ऑफ थेरेपी, थेरेपी में दरअसल वजूहत की वजह से रुकावट आ सकती है, बीमारी की वजह से थेरेपिस्ट बीमार हो सकता है, डेथ हो सकती है उसकी, रिलोकेशन हो सकती है, फाइनेंशियल इंटीमेशन हो सकती है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिलोकेशन के अंदर उसकी पोस्टिंग किसी और जगह चले हो जाती है, वो कहीं और जाकर रहना शुरू कर देता है। टॉपिक 81 है स्पेशल ऑब्लिगेशंस ऑफ थेरापिस्ट क्लाइंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अंदर कह रहा है कि अगर साइकोलॉजिस्ट को क्लाइंट के सोशल कल्चर बैकग्राउंड जो है पसंद नहीं है, इसकी फाइनेंशियल स्टेट का मतलब के बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज नहीं है, इसकी फाइनेंशियल स्टेट का बारे में नॉलेज नहीं, तो वो बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को समझ नहीं सकेगा और इन्हें सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएगा। राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट,
क्लाइंट का राइट है कि वो ट्रीटमेंट करवाने से मना कर सकते हैं या फिर कोई और मेथड चूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़, बाज़ औक़ात क्लाइंट और थेरेपिस्ट की वैल्यूज़ एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। मसलन अगर आपके लिए एक चीज़ ठीक है तो हो सकता है क्लाइंट के लिए वो ठीक ना हो। थेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी है कि क्लाइंट के वैल्यूज़ को प्रॉपर जो है वो उनको प्रेफर करे और इसके मुताबिक ट्रीटमेंट करे। एक्सेप्शनली डिफ़िकल्ट क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट बार बार खुदकुशी की कोशिश करते हैं जो, या बार बार किसी नुकसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कि किसी को मार दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, इनको एक्सेप्शनली डिफ़िकल्ट क्लाइंट कहते हैं। व्यूअर, ये था हमारा लेसन, आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी लेसन 20 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।